हम लाते हैं टॉप न्यूज आपके फेवरेट टॉक और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी वीडियोस के बारे में और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ एक ही स्टेज होगा सरदारी साहब उसी पर खिताब करेंगे और इमरान खान साहब भी उसी पर खिताब करें। दो सेशन में होगा ये एहतजाज एक सेशन में जरदारी साहब होंगे इमरान खान साहब दूसरे सेशन में जो है वो होंगे सल्तनत शरीफी का शहबाज शरीफ साहब, गुराना सना और इनका पूरा करोह का गरो। इनके इकदार का खात्मा होगा इस बिल्ला रकमीमल नाजीन में वासमत शराजी प्रोग्राम है फैसला आपका एक तरफ तो लाहौर का ये एहत जो कि कल होगा और लाहौर में स्टेज सजेगा सिटी uh, बजेगी <laughs> मैं सीटी बजेगी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पीएसएल भी आने वाला है तो मुझे अचानक स्टेज सजेगा सीटी बजेगी सीटी किसकी बजेगी ये अलबत् एक इम्पॉर्टेंट सवाल होगा लेकिन उससे पहले चलते चलते बता दें कि आज एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है जिसको हम शायद उस तरह से डिस्कस नहीं कर पाएंगे जिस तरह से हमें करना चाहिए आज एक कौमी बयानिया बिल पाकिस्तान ने रियासत पाकिस्तान ने जारी कर दिया और आपके सामने बहुत सारे जिनमें के कलदम तंजीमों के सरबराहान भी हैं जो कि वहाँ पर मौजूद थे जिनको बुलाया गया और एक कौमी बयानिया पैगाम पाकिस्तान के नाम से जो है वो जारी किया गया है इसमें तकरीबन अट्ठारह सौ इक्कीस उनका ये फतवा था अहम बात यह है कि इसमें अकोड़ा खटक यानी हकानिया जो हैं उनका भी फतवा शामिल है यानी उन्होंने भी इंडोर्स किया है ये एक तवील अर्जे से अफ़गानिस्तान की तरफ से एक मुतालबा आ रहा था कि पाकिस्तान जो है वो एक फतवा जारी करे और बिलाखिर आज पाकिस्तान ने उस फतवे को जारी किया है उस वक्त जबकि मौन नायब वज़ी खारजा अमरीका की यहाँ पर मौजूद थी ये आज इस्लामाबाद में जारी हुआ यह कहता है कि ख़ुदकुश हमलों शदत पसंदी और खून रेजी को फसाद फिलअर्ज़ करार दिया जाए करार दिया गया है आ, ताकत के ज़ोर पर अपने नज़रियात मुसलत करना इस्लाम के मुनाफी है दहशतगर्दी की तरगीब खुदकुश हमलों की तैयारी तरबियत और उसका हुक्म उस पर अमल करने वाले इस्लामी तालिबात के बागी करार होंगे दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई रियासत का सिर्फ रियासत का शरी हक है मुतहरब जहाद का हुक्म सिर्फ रियासत का इख्तियार है अपने तौर पर मुतहारब जहाद करने वाले तमाम बागी होंगे फतवे पर जो मुख्तलिफ़ सैकड़ों हैं उनके दस्तखत भी मौजूद हैं और इस तकरीब में कलदम अदम दहशत गर्द तनजीमों के जो सरबराहान थे वो भी मदू किए गए थे सो तब्दीली आ नहीं रही आ गई है अच्छी बात हुई अगर हम अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स में देखें तो ये एक बहुत तवील इंतजार के बाद ये फतवा जो है वो आया है लेकिन अगर देखा जाए कि पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपने ही आफ्रका वाराना तसादम को प्रमोट किया उनको भी शायद अब के बाद मेन स्ट्रीम कर दिया जाएगा हम इसके ऊपर भी बात करेंगे और उसके साथ साथ आपने सुना आज मियाँ नवाज शिफ ने भी धुआं बातें की काफ़ी अपसेट है मियाँ साहब के बलोचि में सबसे कम वोट लेने वाला वजी अला कैसे बन गया और वो ये भी कहते हैं कि ये साजिश आप अन अर्थ करेंगे कैसे करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट सवाल होगा इसके साथ साथ कल जरदारी साहब और इमरान खान साहब एक स्टेज पे होंगे लेकिन अलग अलग सेशन में उनकी रूनुमाई होगी उनकी चेहरा नुमाई अलग अलग सेशनस में होगी और वो किस कदर बड़ा इनकलाब कल ला पाएंगे यानी तब्दीली पंजाब हुकूमत की वजीर अला की होगी कि नहीं होगी यह भी हम आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे अपोजिशन का एजेंडा इस हतमी राउंड में जो कि सैनटर इंतबात से पहले होगा किस हद तक कामयाब होगा हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा किसी तारफ़ की मोहताज नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाना माना चेहरा बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया जनाब मुसदक मलिक साहब डॉक्टर मुसदक मलिक भी तर्जुमान वजी अजम पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का आ, के नुमाइंदे बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्री मजारी साहिबा हमारी बहुत मोहतरम भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चीदा चीदा शख्सियात में से हैं बहुत बहुत शुक्रिया और लास्ट बट नॉट लीस्ट जनाब मोहम्मद मालिक साहब तजिया और होस्ट अपना एक बहुत ही जबरदस्त भी नाइनटी टू पे करते हैं तो सबसे पहले ब्रेकिंग ही ना ले मालिक ये, एक तो ये बयानिया और ऊपर से ये जो कल बयानिया अपोजिशन का होगा कमेंट कीजिएगा सर देखिए आज के बयानिया में जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एक लाइन है उसमें जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत से कमियों के बावजूद इस्लामिक ये एक इस्लामिक रियासत का स्टेटस माना है हकुमत को hmm. कि इस्लामी रियासत की हकूमत है क्योंकि सारी बातें पहले हो चुकी हुई हैं स्केल पे नहीं लेकिन बहस एक ही होती थी जितने ये ग्रुप्स थे उनके लोग ये कहते थे कि जी ये ठीक है हम बिल्कुल हुक्म के ताबे हैं लेकिन यहाँ इस्लामी हुकूमत ही नहीं है सो आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग एडिशन दिस टाइम और लेकिन भर, आप इस तरह के चार फतवे भी कर दे असल चीज तो ये है कि आसमान जो नॉन स्टेट एक्टिंग ग्रुप्स हैं उनको किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए उनको किसी भी सूरत में स्टेट ऑब्जेक्टिवेंस में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली सिलसिला अभी उतना नहीं रुका जितना रुक जाना चाहिए तो जब तक वो रियाती पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होगी ठीक है इस फतवे का बहुत बड़ा फर्क पड़ना चाहिए इसका इंटरनेशनली भी हमें अफगानिस्तान से भी जैसे आपने अपने बयानिए में कहा फर्क पड़ेगा लेकिन हमारा असल प्रॉब्लम एक फतवा या उसका ना होना नहीं है हमारे यहाँ असल प्रॉब्लम यह है कि ये जो टेंडेंसी है नॉन स्टेट एक्टर्स को स्टेट ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल करने की वो सिविल अस्करी दोनों को बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के ऊपर चलना होगा जो इस वक्त नहीं है और एक थियोरी ऑफ अपीजमेंट चल रही है कुछ कुछ खौफ से और कुछ इंडिया सेंट्रिक होने की वजह से बिल्कुल अच्छा माइक साहब ये जो मेन आप... स्ट्रीमिंग हाँ मेन स्ट्रीमिंग की बात है तो ये जैसे तेरीक लब्बैक या रसूल वाले जैसे बीस कोवर लाहौर में अपनी शो ऑफ पावर भी करेंगे आपको लगता है कि ये ये जो सब धरने हैं या ये जो जमातें हैं ये मेन स्ट्रीमिंग के अंदर आके वाकई नॉर्मल हो जाएंगी मुझे दो चीज़ें मुझे याद है जब पहली बारी किताब का इंतजामी निशान मिला जे यू आई एफ को बहुत साल पहले तो मैंने आस पास बड़ी स्ट्रिक्टली अपोज किया इसलिए कि मैंने फिर जल्सों में सुनामा कहा जाता था कि यह कुरान शरीफ है इस पर अगर मोहर नहीं लगाओगे तुम्हारे निकाह खत्म हो जाएंगे तो सिर्फ वो एक किताब का निशान था अगर आप किसी ऐसी जमात को इस नाम के साथ रसूल पाक के के नाम से जुड़े हुए अगर किसी पार्टी को आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने देंगे तो यह बहुत ही खतरनाक डेवलपमेंट होगी पहली बात तो यह है कि इस पर बड़े एक स्ट्रिक्ट लाइन होनी चाहिए कि इस किस्म के सिंबल इस किस्म के नाम बिल्कुल अगर उसने मेन स्ट्रीम में आना भी है आप बिल्कुल आए मजहबी जमातें आनी चाहिए लेकिन मुझे एक एक, एक क्या करें आप इफ इफ यू यू डू डोंट वाला हिसाब है मेरा ख्याल ये जब ये मजहबी एक्सट्रीम राइट विंग की जवातें जब, जब जू जू मेन स्ट्रीम में आती हैं, तो अगर कोड ऑफ कॉन्डक्ट सख्त ना हुआ तो ये दूसरों की भी रेट्रिक और सख्त कर देंगी बिल्कुल अच्छा बिल्कुल, मैच करना पड़ेगा बाकी लोग बिल्कुल ए, ये बात ये बड़ा है। ही एक जी ट्रिकी स्लोप है जिसको बहुत ध्यान से हमें चलना है और और इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट में इस पर बड़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ये होनी तो कह बिल्कुल सही बात है, है बिल्कुल सही बात है लेकिन डॉक्टर साहब ये जो बयानिया था इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कल अदम भी थे आपने तस्वीरें देखी होंगी आज आप फुटेजेस भी देखी होंगी और मेन स्ट्रीमिंग से काम बन जाएगा मैं एक कमेंट चाहूंगी फिर हम एहतजाजी तहरीक पे आए देखिए आसमा इशू ये है कि अगर तो यूएन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की लिस्ट पे कई कर, तंजीमें हैं जिनको बैन किया हुआ yeah. है हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का भी हिस्सा है हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस पे वेटेज देते हैं उनको सपोर्ट करते हैं आपको याद होगा जब तालिबान के ख़िलाफ़ सैक्शनस आए थे जब उनकी हुकूमत थी अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने ऑब्जर्व की वो सेंकशन हालांकि तालिबान हुकूमत के साथ हमारे ताल्लुक सही थे वो उस वक्त कल तंजीम नहीं थी नहीं। लेकिन यू एन आए और हमने वो इन्फोर्स किए तो मैं समझती हूँ जो यू एन बैंड आउटफिट्स हैं या आप देखें आपके पास दो होती हैं आप अगर वो तंजीम समझते हैं कि इसको बैन नहीं करना चाहिए तो वो तंजीम भी यूएन के सामने अपना केस प्रेजेंट कर सकती है हाँ। और हुकूमत भी आपकी कर सकती है हमने इन दोनों चीजें ये नहीं की जो हम कर सकते थे और अगर करना चाहती वो तंजीमें तो वो भी कर सकती तो मैं समझती हूँ कि एक बयानिया बहुत दुरुस्त है और आना चाहिए था और पहले आना चाहिए था क्योंकि ये बहुत अरसे व्यू पॉइंट है कि स्टेट का सोल वो है जिहाद करना बिल्कुल, ये बिल्कुल। और किसी नॉन स्टेट एक्टर्स को नहीं ये मिलता और इस्लामी और, इस्लामिक भी और ये इस्लामिक जैसे मालिक ने कहा कि ये रिकग्निशन है कि दिस इज इस द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हुकूमत की इशू नहीं है ये स्टेट की रे, को रिक्नाइज किया लेकिन अगर आप एक बुलाते हैं कलदम तंजीमों को प्रेसिडेंसी में तो आप एक तरह से दे रहे हैं तो सवाल उठता है कि क्या हुकूमत इनको करेगी कि कि अब ये 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 बैन बैन नहीं और अगर आप कैसे उठाएंगे क्योंकि यूएन ने ये ये या किसी और, नहीं लगाया है नेशनल एक्शन प्लान में भी बहुत से नुकते अच्छे थे हम सब पार्टी थे उसके जिसमें था मदरसा रिफॉर्म भी थी डी वेपनाइजेशन थी फाटा रिफॉर्म्स थी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का रिफॉर्म था उसके बाद कुछ नहीं हुआ सवाई जो मिलिट्री एक्शन उसमें प्रिस्क्राइब था hmm. पाटा में वो हुआ exactly, तो अगर इसी तरह ये भी ए, उसी डायरेक्शन में जाएगा सही. एक बयानिया करने के बाद कोई इन, इन्फोर्समेंट नहीं होगी इसकी ए, वो और आगे सवाल तो अब उठेगा कि आपका आपकी क्या पोजीशन है इन बैंड को के जिनको आपने में। बुलाया ये, था ये, ये पैगाम पाकिस्तान बाय द वे जो कि आज आसमा जब मैं आई थी स्टूडियो के अंदर तो आप जो चीज़ें पढ़ के सुना रही थी वो खासी आ, मेरे लिए भी तश्वीशनाक थी क्योंकि मैं असम्बली से उठकर आई हूँ और आपने जो कलदम तनजीमों के हवाले से बात की और उनकी उनकी मौजूदगी का जिक्र किया मैं एक नज़रियाती जमात से बिलोंग करती हूँ हमारी एक आइडियोलॉजी है और मालिक साहब को भी सुना और कम से कम एक तबसरा है जिस पर के आ, हम इतमान कर सकते हैं कि ये बात हो रही है हम हम बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन किया गया था पिछले कुछ हफ्तों कबल जो यहाँ धरना था और उसके बाद जो जो बातें उसमें थी और किस तरह से सर झुका दिया गया था और के जिम्मेदारान ने किया था उस डॉक्यूमेंट को वो डिसोन भी नहीं कर सकते अब ये चीज़ सामने आई है देखिए इसका जायजा लेना पड़ेगा विल हैव टू वेट के मेरी जमात की जानब से इसको देखा जाएगा गौर से लेकिन जो पहला रिएक्शन है वो यकीनन मेरा भी यही है कि कलादम तंजीमों की मौजूदगी आपने हाँ देखा कि जो पिछला नेशनल का वन का बाई था उसके अंदर जिन जमातों ने हिस्सा लिया कल अदम जमातों ने हिस्सा भी लिया और इलेक्शन कमीशन की भी खामोशी पर हमें तश्वीश ऐसा क्यों हुआ हाँ। तो ये मैं नहीं समझती हूँ एक्शन प्लान की मौजूदगी में ये कोई हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि या तो कलदम तनजीमों को हमने रिफॉर्म कर दिया है और जो है वो अब

तो क्लैरिटी आनी चाहिए ना किस कन्फ्यूजन का शिकार है हम देखिए हमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ये कॉलिदम तनजीम है और ये कालदम रहेंगी ये आज जो बयानिया आया है या जो, जो जिसको बयानिया आप कह रहे हैं पैगाम पाकिस्तान ये तो रिलीजस जो 1800, 1900, 2000 के करीब जो रिलीजस स्कॉलर्स हैं उन्होंने एक तरह का फतवा दिया है हुँ. और मैं समझता हूँ कि तमाम रिलीजस तंजीमें या उनके सरबराहान या जो भी उनकी उनके उन, उनके ग्रुप्स हैं अगर वो सारे एक पेज पर आए हैं और उन्होंने कोई एक अच्छी बात की है हुँ. तो पहली बात तो ये है कि आप उसको उसके मतन से मावरा नहीं देख सकते तो आप उसके मतन को देखें कि बात क्या की जा रही है हुँ. बात यह की जा रही है कि इवन वो लोग जिनको हम पर्सनली मैं यू नो आई have वेरी स्ट्रांग फीलिंग्स अबाउट them। वो भी अगर ये कह रहे हैं वही पैगाम दे रहे हैं जो हमारा पैगाम है आपका पैगाम है कि दहशत गर्दी ख़त्म होनी चाहिए रेड सिर्फ रियासत की होती है कि वो आ, किसी चीज़ को जिहाद डिक्लेयर कर सके वगैरह वगैरह तो ये सारी बड़ी अच्छी चीज़ें कॉलिदम तंजीमों का मसला जो है वो बड़ा गंभीर है आपको मालूम होगा कभी परवेज़ मुशर्रफ़ साहब ने एक इंटरव्यू दिया रिसेंटली जिसमें उनसे पूछा गया कि अगर आपको अफगानिस्तान की तरफ से टफ़ टाइम मिला ये अमेरिका की पॉलिसी के चेंज के बाद तो आप क्या करेंगे उन्होंने कहा हमारी जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं वाक मुंह तोड़ जवाब दे सकती हैं तो फिर उनको कहा अगर दूसरी तरफ से हिंदुस्तान भी अगर कुछ करे तो फिर आप क्या करेंगे तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान के लिए तो हमारे जहादी काफ़ी हैं उनको पता नहीं कि हमारे पास मुजाहिदीन है अब ये एक शख्स हैं जो पाकिस्तान आर्मी को हेड करते रहे हैं तेरह साल और दस साल या नौ साल इस मुल्क के सदर रहे हैं और वो बैठ के बर्मला टेलीविजन के ऊपर ये कह रहे हैं मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ शुएब ने छह महीने पहले हमें कहा कि हम मेन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं मुझे नहीं पता हम कौन थे मुझे नहीं पता मेन स्ट्रीमिंग वो किसको कर रहे थे मगर उन्होंने कहा कि हम मेन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं आ, ये क्या नाम है बैंड ये नहीं जी दो का नाम ये अभी जो है मिली मुस्लिम लीग जो जिसकी वो आउटशूट है क्या नाम है उस काल आजम का जी 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 तो उन्होंने बोला कि कि हम लश्कर तैयबा को या हाफिज़ सईद साहब की टीम को इनको मेन स्ट्रीम कर रहे हैं और और भी तंजीमों को हम मेन स्ट्रीम कर रहे हैं और मुझे अच्छी तरह याद है उस उस मुकालमे में हमने वी लेफ्ट हिम आउट कि ये क्या बातें कर रहे हैं और फिर पता चला कि इलेक्शन के अंदर मिली मुस्लिम लीग भी आ गई और फिर उसके बाद फरमारी मगर ये चला आज चला आज उलमा तो जो है उन सब ने एक बयानिया दिया है पूरे मुल्क के लिए इस बयानी को फ्रैक्चर भी किया जा सकता था इसमें से लोगों को आइसोलेट करके बाहर भी निकाला जा सकता था इसका मतलब है इस बयान के अंदर अभी तकसीम थी तो हमने कोशिश ये की है कि ये बयानिया जो है एक शक्ल के अंदर एक आवाज से बिल्कुल बाहर जाए ताकि इसमें कोई ये, ये, ना रह जाए तो कि हम तो अमेरिका के के मुताबिक अफगानिस्तान कहने पे और या मैं ये तीसरी बात जो आखिरी मिनट अमरीका दहशत गर्दी की क्या डेफिनेशन है देखिए मैं तो बात की बिल्कुल इस पे जरूर करेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम कुछ बात कल लाहौर में जो मैदान सजेगा उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद वेलकम बैक एक फिर आपको खुश आमदीद मालिक साहब अब चूंकि सियासत की भी हलचल है तो थोड़ा सा हम बात करेंगे कि कल लाहौर में क्या होने जा रहा है सर एक दिन एक स्टेज अलग अलग चेहरे और अलग अलग टाइमिंग सेशंस भी बट गए हैं और नतीजा खेज होगा कि नहीं एहजाज देखिए वो अंग्रेजी में एक फ्रेज oh. है we've, we've मेरा ख्याल है अगर ये चीजें अब तो मौसम ही ऐसा है वैसे भी अब रैलीस का मौसम हुँ. है पाँच छः महीने रह गए इलेक्शंस में विल वे, बीन इन दैट ईयर ऑफ इलेक्शंस बड़ी सीधी सी बात है मैंने तो इस एपीसी से पहले कहा था दो दिन पहले कि कादरी साहब धरना नहीं देंगे इट वाज बोथ अ मिक्स ऑफ असेसमेंट और इनका पास देख के और जो जो इस माहौल बना हुआ है और क्वाइट फ्रैंकली अगर कोई धरना नहीं होता हुँ. और ये कहते हैं जी तहरीकें चलेंगी और मूवमेंट चलेंगी और जलसे होंगे चाहे आप दो सौ भी जलसे कर लें तो मुझे गवर्नमेंट के लिए कोई मसला नजर नहीं आता इनकनवीनियंस यस एक परेशानी टू टू एक्सटेंट यस लेकिन जो आप कहते हैं ना डिसाइडिंग जी ये एक कर्व है वो जो कर्व बॉल आएगा जो सब कुछ उड़ा देगा आई डोंट सी दैट

हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ इसके इसके ऑप्टिक्स इतने ज़्यादा सारे टेंशन दे रहे हैं कि आज आधा दिन तमाम टेलीविजन <laughs> इस इसमें प्रोग्राम करते रहे शेयर करेंगे कि नहीं करें आ, फवाद को आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी नहीं वो टाइमिंग टाइमिंगलीहदा होगी लोडेड तो ये दिस इज मोर अबाउट ऑप्टिक्स मुझे सबसे पता नहीं लगता ये अच्छा, इम्पोर्टेंट सही बात है मैं बात। जो आपको कह रही हूँ कि आ, देखें ये प्रोटेस्ट बहुत लेजिटिमेट है और जरूरी है क्योंकि जो जुल्म हुआ है मॉडल टाउन के वो जो सानिया है मॉडल टाउन का वो है। उसका कम से कम सजा हाँ। तो होनी चाहिए रिपोर्ट्स भी आ गई हैं जो मिनिस्टर्स इन्वॉल्व थे जो पुलिस वाले थे जिनको आपने रिवॉर्ड किया जो मिनिस्टर हैं वो अभी तक बैठे है हाँ। और अभी तक इनसे और इन ह्यूमन रिमार्क्स पास कर रहे हैं वो जो कसूर का वाक्य उसपे भी उनके रिमार्क्स आप सुन लें तो मैं समझती हूँ प्रोटेस्ट लिजिटिमेट है और इसी वास्ते मैं समझती हूँ सारी तो ये, लेकिन लेकिन, उसकी उसकी हाई, दिकुल, 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 लेकिन उसकी हाई ये आखिरी मतलब धरना है क्योंकि हमने रिजाइन लेने हैं और लेने देने पड़ेंगे इनको आपको लगता है जैसे अभी मालिक साहब ने कहा मुझे भी नहीं लगता कि कुछ ऐसा होगा कि वजीर अला कहेंगे जी जी मैं जाता हूँ और राना सना कहेंगे मैं जाता हूँ देखिए जिस तरह शरन बजारी ने बताया कि एक ऐसा मुतालबा जो कि बड़ा सेंसिबल जायज़ मुतालबा है और एक ऐसी रिपोर्ट के सामने आने के बाद पीपल्स पार्टी जिस पर के और ज़्यादा शिद्दत से इजहार कर रही है उस रिपोर्ट में जो बातें जिम्मेदारान का बड़ा क्लियर पता चल रहा है जिसमें चीफ मिनिस्टर है लॉ मिनिस्टर है और पीपल्स पार्टी हर उस एहतजाज में हर उस आवाज़ के साथ आवाज़ मिलएगी जो कि मॉडल टाउन के विक्टिम्स के, के लिए होगी और ये हमारा बड़ा एक इस है। में भी हाँ आज पार वैसे गई, पार्टी की तरफ से। तो हो गया ना सिस्टम सारा बलूचिस्तान में तो जी जो लोग डिप्राइव थे जहाँ पे जिन पॉलिसीज से लोगों को, को फायदा नहीं हुआ उन्होंने नो कॉन्फिडेंस कह दिया हम तो कुछ और नहीं कह रहे देखिये मॉडल टाउन के अंदर मॉडल के एम एल एम एल एन के

देखिए लाश सिर्फ एक घर की के दरवाजे पे नहीं पड़ी होती है पूरा खानदान बिल्कुल और एक पूरे कम्युनिटीज मुतासिर होती है शहीद हो जाए मर जाए तो बड़ी बात है ना चौदह और देखिए मारा भी किस तरह तो मारा भी किस तरह आप अजियत का जो ये बात जो आप देखे जो आपने इस एजिटेशन का इसकी हम बात कर रहे हैं कि इससे होगा क्या आपका मालिक दो साथ दो साथ दो का मालिक साहब साहब का मालिक का यकीनन हर एक शख्स का एक अपना व्यू हो सकता है कि जी एतजाज यू नहीं तो यूं करो और अस असरअंदाज हो सकते हो या फलानी हुँ. के हमने बुनियादी तौर पर जो भी मैं क्लियर कर लेजिटिमेट नतीजा क्या निकलेगा क्यूँकी नतीजा हमारी ख्वाहिश तो ये है कि ज़िम्मेदारान खुद घर चले जाए और कहे जी हमसे वाकई ऐसा बड़ी इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है जिसके लिए हम इन कुर्सी हमारा है ये देखने की जरूरत नहीं तो कुछ भी नहीं होता ना इस मुल्क में पॉइंट मैं ब्रेक पे जाऊंगी फिर मैं वापस आऊंगी

सेक्रेटरी को कि स्टैंड डाउन दस बज के सत्रह मिनट पे उन्होंने फोन करवाया लॉ मिनिस्टर को कि स्टैंड डाउन तो अगर इस बुनियाद के ऊपर चीफ मिनिस्टर को डिसक्वालीफाई कर देना चाहिए या उन्हें हट जाना चाहिए जब रिपोर्ट के अंदर भी ये सारा कुछ लिखा हुआ है और कहीं नहीं लिखा कि वो जिम्मेदार है जिम्मेदारी वैसे तो 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 रियासत जरा मेरी मेरी बात बात अगर आप बात है ना? जी मैं अगर मान मान लेता फिर जिस दिन हुआ था उस दिन किसी और चीफ मिनिस्टर को भी उतर जाना चाहिए था जिस दिन लड़कियों की लाशें जो है बांध के गाड़ी के अंदर से मिली थी खैबर पखतूनखा में उस दिन चीफ मिनिस्टर को उतर जाना चाहिए था जब इलेक्शन में तीस बंदे मारे गए में तो उस दिन जिम्मेदारी कबूल करके चीफ मिनिस्टर को उतर जाना चाहिए था इस बात को ठहर जाए दूसरी तरफ देख लें बोरियों में से लाशें निकलती हैं अभी पिछले हफ्ते तीन लोगों को लोगों ने लिंच किया चोरों को जो डाके मार रहे थे या चोरी कर रहे थे

शाजिया ने ब्रेक ले मैं ब्रेक ले मारा, मारा ने बेक ने बेक ये इम्पोर्टेंट ये ये बहस हो गई, ये बहस हो गई डॉक्टर ये पंजाब पुलिस का एक्शन और राणा सुनावला की दहशत ये इनकी हकूमतों में आज तक पुलिस को मुकाबला नहीं हुआ

वो एहतजाज कैसा होगा और फिर नवाशी साहब ये क्यों कह रहे हैं कि साजिश हुई है बलूचिस्तान में उसको बेनकाब करेंगे ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं हम इस पर छोड़ा था कि ये नतीजा खेज पहले भी मालिक साहब ने कहा नतीजा खेज शायद साबित नहीं हो सकेगी मैं मुसैद साहब आपका हो गया था पॉइंट कि ऐसा कुछ नहीं है लेकिन नतीजा खेज होने पे आपने नहीं बताया अगर आपकी पार्टी कल इसको नाकाम बना देती है जो कि आपने आपके हाथ में है मॉडल टाउन जैसा नहीं कुछ भी होता या रोकती नहीं है तो फिर तो हम कह सकते हैं कि आप इस पोजीशन में हैं कि आप जीत गए मेरा ऐति जी हमें कोई बहुत ज़्यादा इसकी परवाह नहीं है क्योंकि हमें तो आदत हो गई है एक धरना दूसरा धरना एक लीग दूसरी लीग लीग में लीग जे एक पैनामा, इकामा, एकामा हम तो थक गए हैं हमें उसके बाद ये आके यहाँ पे ये फैजाबाद वाला धरना अब इनका धरना उसके बाद सुने एक और धरना दाता साहब आ रहा है, फिर उसके बाद एक और धर वो आ रहा है कोई हमें कोई फिक्र नहीं अगर इनको हुकूमत उल्टानी है ये बहुत अच्छा हुआ के दरम्यान में कादरी साहब हैं, एक तरफ इमरान खान साहब हैं, एक तरफ जरदारी साहब हैं, ताकि सबको पता चल जाए और बे, बी टीमेंट की कौन सी ये सामने आ गई है बहुत हमें खुशी अच्छा, है की पहले भी इन्होंने मुझे नहीं बोली जुमला अच्छा, तो मुकम्मल नहीं प्रेसिडेंट थे उन्होंने पैनामा से पहले बोला कि जुडिशल कू होगा इनकी पार्टी के जो चेयरमैन है तो हम कब इनकी माइंडसेट पता चल गई है एक एतजाज हो है इंसाफ के लिए जो लाशें गिरी थी मॉडल टाउन में जिस तरीके से जुल्म हुआ है उस पर सारी जो सेंसिटिव और जो प्रिंसिपल पोजिशनिंग ली है सारी सियासी अपोजिशन पार्टीज ने अब ये कह रहे हैं जी स्टैब्लिशमेंट की पार्टीज ने बड़ा अफसोस है कि पंजाब पुलिस ने दहशत गर्दी की शहरियों शे, के खिलाफ मॉडल टाउन में क्योंकि और लॉ मिनिस्टर इन्वॉल्व हैं और वही लॉ मिनिस्टर अब कसूर में फिर पंजाब पुलिस ने दहशत गर्दी की आम शहरियों से जो एहतजाज कर रहे थे रेप और मर्डर का एक बच्ची के और डायरेक्ट फायरिंग की हवाई फायरिंग के बजाय और ये कह रहे हैं जी नहीं ये ऐतजाज तो एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा अफसोस है ये पीएमएलएन की जो जहनियत है ना कि पुलिस उनकी शहरियों को मारे जुल्म करे और अगर कोई एहतजा उस पर करे तो जी ये अगर... ये इनकी जहनियत जो है ना और जो ये कहते हमें फर्क नहीं पड़ता आपको फर्क क्यों पड़ेगा आपके जिस मिनिस्टर ने ये दहशत गर्दी कराई okay. लोगों को मरवाया उसको मगर ऐसा कैसा होगा ये एहत मैं भाई साहब आपके पास आ रही हूँ कैसा होगा कि कल रिजाइन आ जाएंगे दोनों तरफ से और कामयाब होगा क्या तो बड़ी है बैठ so, की की जाने से आपको लगता है तो बड़ी हैरानी की बात है कि नवाज लीग की जानब से जो नुमाइंदगी है वो एक ऐसे प्रोटेस्ट जो कि चौदह लाशों के ना सिर्फ गिरने के बाद देखिए पीपल्स पार्टी ने तो बड़ा कैटेगोरिकली उस वक्त जो एहत किया कि जी ये हुआ क्यों और उसके बाद हमने इस रिपोर्ट का इंतजार किया इस रिपोर्ट के आने के बाद इस नहीं। नहीं। रिपोर्ट को आप सेलेक्टिवली पढ़ के एक लाइन पढ़ के बता रहे हैं आप मेरे ख्याल पेज सेवेंटी थ्री है सेवनटी फोर है आप वो पढ़े पेजेस उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है कि, कि किसका कसूर है ब्लड बात क्लैंड है प्लांट ब्लड hmm. बात hmm. है निकालें आप पेजेस निकालें आप पढ़े पैराग्राफ सिलेक्ट ना करें जुमलों को hmm. कि उस वक्त चीफ मिनिस्टर बैठे थे या वहां नहीं उनके वहां बैठे होने से कत्ल नहीं होते सिर्फ hmm. उनके वहां अथॉरिटी में होने से जो कुछ हुआ है पंजाब के अंदर hmm. जो खून बहा है मैं हैरान इस बात पे हूं पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो पीपल्स पार्टी की इलेक्टेड गवर्नमेंट अपनी जो अलायंसस के साथ थी कोलिशन गवर्नमेंट उस वक्त तो आप हर किस्म का गेट लेके काला कोट पहनकर चले जाते थे सुप्रीम कोर्ट और लॉन्ग मार्च की कॉल देते थे और धरने देते थे और मीनारे पाकिस्तान पर

बात नहीं करालिक साहब इसका मतलब है की अच्छा, मैं, मैं जो बलोचिस्तान में हुआ है बलोचिस्तान अब जो सेनेट इलेक्शन होंगे तो जाहिर है की जो नंबर पी एम एल एन का आना था बलोचिस्तान से वो नहीं आ पाएगा तो अब इस्टेब्लिशमेंट को क्या जरूरत रहेगी कि वो पंजाब असेंबली से भी इस्तीफा उनको भी या तो ट्रेजिडी भी एक सिल्वर लाइनिंग थी क्योंकि उस इंसिडेंट की वजह से बलोचि खबर दब गई बलोचिस्तान में क्या हुआ बलोचिस्तान में पीएमएल एन की जो लोकल क्या उसने रिबेल किया अपनी मरकजी क्यादत के खिलाफ बलोचिस्तान में प्राइम मिनिस्टर गए शर्मिंदगी खिफत उठाई वापस आए बड़ा सीरियस अकाउंट है और मैं एज अ पंजाबी हूं तो इसलिए मैं कर सकता हूं मेरे पे इल्जाम नहीं लगेगा क्या पंजाबी वोट की ज्यादा हुरमत है कि अगर पंजाबी वोट सेलेक्ट हुआ वहां प्राइम मिनिस्टर कोर्ट से भी, भी हटे तो आप कहते हैं जुल्म हो गया और बलोचिस्तान में इलेक्टेड लोगों का जीता हुआ बंदा अगर चीफ मिनिस्टर बनता है आप कहते हैं देखें जी 500 वोट वाला बन गया भी अगर आप एक वोट से भी जीते हैं यू आर इन सिस्टम इज फर्स्ट बाय द पोस्ट और वो ये कह रहे पोस्टली तो तो असेंबली नहीं तेज नहीं देखिए बलोचिस्तान में कौन सी चीज अनडेमोक्रेटिक हुई है वहां पर अगर पार्लियामेंटेरियंस पार्टी अपनी गवर्नमेंट बदल दें तो जुल्म है वहां मिल, मिल है वहां पे ज्यादा है अगर आप वही चीजें जुरेजो साहब हाँ। के साथ करें वही चीजें आप बेनजीर मरहुमा के साथ करें वही चीजें आप ये करें तो वो फिर बिल्कुल जायज है साहब ने बयान दिया कहा साठ साल में मिया साहब ने कहा साठ साल में फिर इलेक्शन नहीं हुए आई विश साथ ये भी ऐड कर देते उसमें से पैंतीस साल

<laughs> जो वहाँ पे हुआ है उसको तस्लीम इस वजह से किया है कि तरीका कार जो है वो आइनी था <laughs> इस वजह से आइनी तरीका कार से वो आए हैं और उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया है और हुकूमत हट गई और हुकूमत हट गई <laughs> और उसमें कोई झगड़ा नहीं है उनके वोट थे वो आए हैं हमारी अपनी पार्टी की मेजोरिटी जो है उसने फ्लोर क्रॉसिंग की है तो बिल्कुल ठीक <laughs> है तो नई हुकूमत वहाँ पर बन गई है इसमें कोई हर्ज नहीं है लेकिन वहाँ पर जैसा कि अभी एक हालिया इंटरव्यू में प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि जो तरीका कार वहाँ पे अपनाया गया था जो वहाँ के लोगों ने कहा उनको जिस तरह के फ़ोन कॉल कॉल्स आए उनको जिस तरह प्रेशराइज़ किया गया और जिस तरह फिर अभी That तो यार बात तो 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 दो यार क्या हो गया तुम ज्यादा उनसे बोल सकते हो ये क्या बात है नहीं मेरी बात तो खत्म हो लेने दो ये क्या बात है आपके पूरे प्रोग्राम में मैं जब बोलता हूँ तीन चार लोग ऊपर से बोलना शुरू कर रहे हैं नहीं डॉक्टर

मैं बड़ी वाज शक्ल में बात कर रहा हूँ कि तरीका कार एक डेमोक्रेटिक तरीका कार था इस वजह से हुकूमत हमने वो बदल गई वहाँ पे नए चीफ मिनिस्टर आ गए जो वहाँ पे तरीका कार किया गया वो मुनासिब नहीं था अगर इसी तरीकार के जरिए चलानी है जमहूत तो चल चलती रही है तो चलने दें हमने जो माजी में गलतियां किए हम उसका इतराफ़ करते हैं एक मरतबा नहीं बरमला एक सौ मरतबा इतराफ़ कर चुके हैं और हम ये चाहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत आगे बढ़े बगैर इंटरफेयरेंस के बढ़े और उसके इंटरफेरेंस के बावजूद अगर कोई तो अगर अगर तो क्रिएट कर रहे हैं मुस्तक वो करना छोड़ दे वो आप खड़े होके रोज एक लेक्चर देते अब मुझे क्यूँ निकाला पाकिस्तान के क्या तमाम मसाइल हमने हल कर दिए हमारे पास हमारे पास आज हमारे बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए